Hey everyone, this is CA Neha Gupta. Welcome you all on this channel. I hope आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे और अभी तक आपने अपनी सारी रिटर्न्स फाइल कर ली होगी. बट अगर अभी तक कुछ रिटर्न्स पेंडिंग है आपकी, तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज अब ITR फाइल करने के लिए कुछ ही टाइम रह गया है. अब ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इनकम टैक्स ड्यू डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी. सो आज इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ. विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का. वेल, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इस टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स ड्यू डेट एक्सटेंशन कब तक होगी. अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों सब लोग इनकम टैक्स ड्यू डेट एक्सटेंशन की डिमांड कर रहे हैं. सबसे पहला रीज़न, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो सामने आके कह दिया कि अगर गलत रिटर्न फाइल करी या कोई मिसमैच हुआ तो हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिल्कुल क्लियरली बोला कि अगर कोई फेक डिडक्शन ली या फिर मिसमैच रहता है आपके रिटर्न में AIS से 26AS से, तो आपको उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, उस पर पेनल्टी आपको बेयर करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा. तो अब ऐसे में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोल रहा है, तो लोगों को टाइम तो दे अच्छे से काम करने का. हमें सिर्फ 45 डेज मिलते हैं, इतने करोड़ ITR फाइल जो पूरी इंडिया में होती है और इतने कम प्रोफेशनल्स के साथ वो होती है, तो नंबर ऑफ ITRs तो बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है. अगर डिपार्टमेंट चाह रहा है सही से काम हो तो उतना टाइम भी मिलना चाहिए, बट ऐसा है नहीं. फर्स्ट रीज़न जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्यू डेट एक्सटेंड होनी चाहिए. सेकेंड रीज़न, रिटर्न्स को OTP वेरीफाई नहीं कर पा रहे, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, OTP के टाइम पर एरर आ जाता है. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न, पोर्टल इतना स्लो चल रहा है कि 26AS और AIS डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे हैं हम लोग. तो ऐसे में ITR फाइल करें तो कैसे करें. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें ये बोल रहा है कि अगर रिफंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो अच्छे से चेकिंग करके आपको रिफंड दिया जाएगा. जब आप अच्छे से चेकिंग करेंगे रिफंड के लिए, तो हमें अच्छे से ITR भी फाइल करनी पड़ेगी ना रिफंड के लिए. तो ऐसे में भी ड्यू डेट एक्सटेंड होनी चाहिए अगर रिफंड की बात है तो, क्योंकि काफ़ी बार क्लाइंट्स एक्स्ट्रा टैक्स पे कर देते हैं और वहाँ पर रिफंड उनका ड्यू हो जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अभी तक डिपार्टमेंट रफली 5 CR के आसपास रिटर्न फाइल कर चुका है, ऐसा वो डाटा बता रहे हैं. तो अभी भी बहुत करोड़ों में रिटर्न पेंडिंग है. इतना काम लास्ट डेज होगा ना अगर, तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स साइट हैंग हो जाएगी और हो भी रही है. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितनी जल्दी हो सके ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दे, जिससे कि हम लोगों को इतना स्ट्रेस ना हो जो अभी हो रहा है. एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि एटलीस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक की वीडियो पहुँच पाए कि हम लोग आखिरकार चाह क्या रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं. नंबर है 8375831676, या फिर आप डायरेक्टली मुझे लिख भी सकते हैं ऑन CA Neha Gupta.com. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय.